पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में मॉडिफाइड साइलेंसर तेज रफ्तार बाइकर्स बिना नंबरों के वाहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। दोबारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते पाए जा रहे वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश के परिपालन में ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में मॉडिफाइड बाइक्स, साइलेंसर, स्टंट बाइकर्स, तेज रफ्तार बाइकर्स बिना नंबर वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे वाहन चालक जो सड़क दुर्घटना एवं आम नागरिकों की समस्या का कारण बनते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोबारा ऐसे करते पाए जाने पर वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो तेज आवाज से गाड़ी चलाते हैं, साइलेंसर से फटाका फोड़ने वाली आवाज चलाते हैं, या फिर जिनके गाड़ियों में नंबर नहीं रहता है, और ऐसे वाहन चालक जो फटाका फोड़ते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना भी रहती है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, तो ऐसे वाहन चालकों का लगातार हम लोग पिछले एक सप्ताह से अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी लगभग 100 से अधिक वाहनों का हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और कुछ वाहनों को जब्त भी किए हैं और जिनका नंबर प्लेट गलत तरीके से लिखे हुआ है उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और लोगों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि यदि आपका जो मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर रहे हैं तो उसको चेंज करा लें और जितने जो मापक के अनुसार साइलेंसर है जो गाड़ियों में होना चाहिए निर्धारित उसका उपयोग करें और ताकि दुर्घटना की संभावना से रोका जा सके और यदि आप पुनः इसका उल्लंघन करेंगे तो यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। यातायात पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 9479192029 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो फटाका फोड़ता है, गलत नंबर लिखा हुआ है या फिर साइलेंसर मॉडिफाइड साइलेंसर है उसकी गाड़ियों में तो हमको व्हाट्सअप कर देंगे, उसका फोटो भेज देंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यातायात पुलिस ने समस्त पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मॉडिफाइड वाहनों को चलाने से रोकें, अन्यथा पुलिस द्वारा वाहनों की जब्ती के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अर्थदंड वसूल कर लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।